हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस कवर करी थी। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो और वहाँ से हमारे सभी लेक्चर्स को जो है स्टडी कर सकते हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के मूव करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। एक बेसिक सी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। मान लीजिए आप इनपुट प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर सिस्टम को थ्रू इनपुट डिवाइसेस। मान लीजिए कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट प्रोवाइड करी कंप्यूटर सिस्टम को, और जो आपने इनपुट प्रोवाइड करी वो चली गई सीपीयू के पास फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आर्किटेक्चर में हमने स्टडी करा था किस तरह से जो है फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो आपने जो इनपुट प्रोवाइड करी वो सीपीयू के पास चली गई फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और सीपीयू ने जब आपकी इनपुट को प्रोसेस कर दिया तो जो वो रिजल्ट बताएगा यूज़र को वो किसके थ्रू बताएगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, और यही जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं आज, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जो प्रोवाइड करती हैं आउटपुट या फिर रिजल्ट टू द यूज़र इन यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। क्लियर है कि यूज़र को जिस लैंग्वेज में समझ आता है उस लैंग्वेज में जो है आउटपुट प्रोवाइड करती हैं आउटपुट डिवाइसेस यूज़र को। तो चलिए पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? ऑल दोज फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो कंपोनेंट्स जिन्हें हम हाथों से टच कर सकते हैं वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइस है, एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि आउटपुट डिवाइस भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर का ही कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड करता है डिजायर्ड आउटपुट या फिर आप बोल सकते हो रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। यानी कि जो आउटपुट डिवाइस है उसका काम क्या है? प्रोवाइड करना डिजायर्ड आउटपुट या फिर रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस का जो काम है आप सबको होप समझ आया होगा। तो मूव करते हैं आगे इसी के साथ। टाइप्स ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट जो है वो कितने तरह की होती है वो हम अब स्टडी करने वाले हैं। मान लीजिए जो आज मैं अभी आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वो जो पीडीएफ है वो आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही स्टडी कर पाओगे, तो इन्हें बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी कि आप जिन्हें फिजिकली टच नहीं कर पाते हो। और अगर आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेते हो तो जो ये प्रिंट आउट आएगा वो फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, आप उसे हाथों से पकड़ सकते हो। तो जो ये प्रिंट आएगा, जो प्रिंट आउट आएगा उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, पीडीएफ जो होती है वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है, क्योंकि आप सिर्फ उसे मोबाइल फ़ोन्स पे या जो आपके मॉनिटर्स होते हैं वहीं पे स्टडी कर सकते हो, लेकिन जब आपने प्रिंट निकलवा दिया तो आप उसे हाथों में पकड़ के भी स्टडी कर सकते हो, तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। जो जितने भी प्रिंट आउट्स होते हैं वो सभी हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ एन आउटपुट दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस ऑन पेपर, जो कि पेपर के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होती है। दे आर टेम्परेरी नेचर, ये टेम्परेरी होती है नेचर में, एंड बैनिश आफ्टर यूज़। आप इन्हें आफ्टर यूज़ जो है डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ जो हमारे लेक्चर की है इससे जब आपका एग्जाम हो जाएगा आप डिलीट कर दोगे, तो यानी कि बैनिश आफ्टर यूज़, यूज़ करने के बाद आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ये होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट डिस्प्ले बाय ए मोनीटर इज़ ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी कि जो भी हमें आउटपुट मोनीटर की स्क्रीन के ऊपर दिखती हैं वो सारी जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की एक जो एक और एग्जांपल है ई बुक। आप सब ई बुक पढ़ते होंगे जिन्हें हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही पढ़ सकते हैं, वो भी एक पीडीएफ की फॉर्मेट में होती है। तो मूव करते हैं इसी के साथ हार्ड कॉपी आउटपुट के ऊपर। सॉफ्ट कॉपी होप आप सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। हार्ड कॉपी के बारे में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हार्ड कॉपी रेफर्स टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है वो जो पेपर होता है उसके ऊपर जो है प्रिंट नहीं होती है, लेकिन जो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है वो होती है प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, इन हार्ड कॉपी द आउटपुट इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर, वी कैन से इट ए फिजिकल कॉपी। ठीक है, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो इसे हम फिजिकल कॉपी भी बोल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर जो हो गए वो आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट हैं, बुक नोटबुक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो सब क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट हैं। तो होप आपको आउटपुट डिवाइसेस की जो मैंने डेफिनेशन कराई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और सॉफ्ट कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मूव करते हैं हम वेरियस आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो सबसे पहली जो टाइप होती है आउटपुट डिवाइसेस की वो आती है मोनीटर्स। मोनीटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या देख सकते हैं, रिजल्ट्स। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्यूटर सिस्टम हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो किसके ऊपर प्रोवाइड करता है, मोनिटर के ऊपर। तो मैंने काफ़ी सिंपल वे में लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मोनिटर होता है उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। द मोनिटर इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद कंप्यूटर टू व्यू द डिस्प्ले रिजल्ट। यानी कि जो मोनिटर्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट शो करवाने के लिए। तो मोनिटर्स जो हैं वो रिजल्ट शो करवाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मोनिटर इज़ ऑफ टू टाइप। मोनिटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनिटर एंड कलर डिस्प्ले मोनिटर। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ध्यान से समझिएगा। जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनिटर होते हैं वो सिर्फ एक ही कलर यूज़ करते हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। यानी कि एक ही कलर यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे मोनिटर्स वो क्या कैसे होते थे, काफ़ी जो पुराने समय में होते थे, आजकल भी वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखोगे तो इस तरह के कंप्यूटर्स आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। तो जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनिटर्स होते थे वो सिर्फ एक ही कलर यूज़ करते थे कोई भी टेक्स्ट दिखाने के लिए। लेकिन अब आजकल जो आते हैं कलर डिस्प्ले मोनिटर्स वो 256 यानी कि 256 कलर्स जो हैं वो एट ए टाइम शो कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको पता चल गया। ए मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनिटर यूजेज ओनली वन कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट, वेयर एज द कलर डिस्प्ले मोनिटर कैन डिस्प्ले 256 कलर एट ए टाइम। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनिटर एंड कलर डिस्प्ले मोनिटर। आगे मूव करते हैं। एन इमेज ऑन द मोनिटर इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स नोन एज पिक्सल्स। जो हम इमेज मोनिटर्स के ऊपर देखते हैं वो डॉट्स की वजह से बनती है, यानी कि पिक्सल्स की वजह से। पिक्सल्स किसका शॉर्ट नेम है, पिक्चर एलिमेंट का, ठीक है। यानी कि जितने ज़्यादा पिक्चर एलिमेंट जो हैं वो आपके मोनिटर स्क्रीन के ऊपर होंगे तो उनसे जो है आपकी इमेज बनती है मोनिटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो पिक्चर क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ मैंने, द रिफ्रेश रेट ऑफ द मोनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो रिफ्रेश रेट क्या चीज़ है, कि आपका जो मोनिटर है वो एक सेकंड्स में कितने जो तरह के जो है पिक्चर्स दिखा सकता है, कितनी फास्टली वो पिक्चर्स दिखा सकता है, ठीक है। तो उसे हम मेज़र किस में करते हैं, हर्ट्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा आजकल जो मोबाइल फ़ोन आते हैं 60 हर्ट्स की डिस्प्ले है, 120 हर्ट्स की डिस्प्ले है, 80 हर्ट्स की डिस्प्ले है। बेसिकली क्या है कि उनका रिफ्रेश रेट, उनकी स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो किस तरह से है। अगर आप उनके ऊपर स्क्रॉल करोगे तो जो 60 हर्ट्स के डिस्प्लेस होती हैं वो थोड़ी सी ब्लरिश चलती हैं, बिल्कुल स्मूथली जो है वो रन नहीं करती हैं। लेकिन वेयर एज जो 120 हर्ट्स की डिस्प्लेस होती हैं वो काफ़ी स्मूथली रन करती हैं, ठीक है। तो ये बिग डिफरेंस आप यहाँ से नोट कर सकते हो। द पॉपुलर टाइप्स ऑफ मोनिटर आर एज फॉलोज। तो इसमें से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने जो इसकी पॉपुलर टाइप्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, वन बाय वन हम रीड करते चलेंगे इनको। तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ मोनिटर आती है कैथोड रे ट्यूब। तो पिक्चर मैंने साथ ही साथ यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप सब ने इस तरह के जो हैं मोनिटर्स कंप्यूटर सिस्टम पे देखे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अभी भी इस तरह के ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब के जो मोनिटर्स होते थे वो इस तरह से होते थे, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ टिपिकली रेक्टेंगुलर शेप्ड मोनिटर दैट यू सी ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हैं उनके ऊपर स्कूल्स में आपने देखे होंगे इस तरह के जो मोनिटर्स थे वो प्रोवाइड किए जाते थे। द CRT वर्क्स इन द सेम वे एज टेलीविजन। ये बिल्कुल टेलीविजन जो हुआ करते थे उनकी तरह ही वर्क करते थे। CRT हैज़ ए वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब आप सब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती थी, तो ये काफ़ी पुराना जो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अ स्क्रीन कवर्ड विद ए फाइन लेयर ऑफ फास्फोरेसेंट एलिमेंट्स कॉल्ड फास्फोर। जो स्क्रीन होती है उसे कवर किया जाता था, एक फाइन लेयर होती थी फास्फोरस एलिमेंट्स की कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते थे, फास्फोरस, ठीक है।
कैथोड रे ट्यूब के बारे में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रखे हैं दोस्तों वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये आ गया आपकी कैथोड रे ट्यूब की पिक्चर, ठीक है। इस तरह से कैथोड रे ट्यूब जो है दिखा करते थे। मूव करते हैं आगे, जो कैथोड सीआरटी के बाद आए आपके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी। आप सब ने एलसीडीज भी देखी होंगी। दीज स्क्रीन्स आर यूज इन लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स, ठीक है। वेरियस लैपटॉप्स जो हैं उनमें एलसीडी स्क्रीन्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड, मेन चीज़ ये है, अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्लेट्स। जो भी दो प्लेट्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेशल तरह का जो लिक्विड होता है वो सैंडविच किया जाता है। इट इज़ अ थिन फ्लैट एंड लाइट वेट स्क्रीन, ये काफ़ी लाइट वेट स्क्रीन होती है। आजकल वेरियस मोनीटर्स की जगह आजकल इनको भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे आपने देखा होगा एलसीडी स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं, लैपटॉप्स भी यूज़ की जाते हैं। तो कईयों के घर में होगी भी एलसीडी जो आपके एलसीडीज होती हैं, कई लोगों के घरों पर भी होंगी। तो एलसीडी, आई होप आप सबको इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो आप सबको ये एलसीडी क्लियर होगी। तो अब मूव करते हैं हम अपनी एलईडी के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी मॉनिटर की टाइप आती है वो आती है आपकी एलईडी यानी कि लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लिक्विड भी बोलते हैं और लाइट एमिटिंग डायोड भी बोलते हैं। एलईडी बल्ब छोटे छोटे आप सबने देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो दिवाली के दिनों में हम यूज़ भी करते हैं। तो एलईडी क्या होती है, एलईडी जो स्क्रीन होती है बेसिकली उन्हीं छोटी छोटी लाइट्स को कंबाइन करके ही एक पूरी स्क्रीन बनाई जाती है, ठीक है। जो एलईडी स्क्रीन्स होती हैं वो इन्हीं छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स की बल्ब्स को मिलाकर बनाई जाती है एलईडी स्क्रीन्स। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर ये एडवर्टीजमेंट में यूज़ की जाती हैं, जो एडवर्टीजमेंट स्क्रीन्स लगी होती हैं आप सबने देखा होगा रोड्स के किनारे लगी होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एमिट करती है लाइट जब भी इसे इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है, ठीक है। एलईडी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसे मिलती है तो ये एक लाइट एमिट करती है। एलईडी इज यूजली प्रोड्यूस रेड लाइट, जो एलईडी बेसिकली क्या कौन सी लाइट प्रोड्यूस करती हैं, रेड लाइट। बट जो आजकल की एलईडी हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं रेड ग्रीन ब्लू लाइट एज वेल एज वाइट कलर, ठीक है। तो ये सारे कलर्स जो हैं वो एलईडी प्रोवाइड कर देती हैं, आजकल प्रोड्यूस कर देती हैं। तो इस तरह से आपने बैनर्स देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैनर्स। तो यहाँ पर जो स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं वो एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, क्योंकि डिफरेंट से डिफरेंट एंगल से भी आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एलईडी स्क्रीन्स जो मेनली कहाँ यूज़ की जाती हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स में यूज़ की जाती हैं। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट 3D मॉनिटर्स की। तो इट इज़ अ टेलीविज़न दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर, क्या मतलब है इसका कि जो व्यूअर होता है इस मॉनिटर पे जब कोई पिक्चर ही देखेगा वो, तो उसे लगेगा कि मैं वर्चुअली मैं यहीं पे हूँ, यानी कि जो सब चीज़ें हो रही हैं ये मेरे साथ ही हो रही हैं। इतनी डेप्थ परसेप्शन जो है 3D मॉनिटर्स जो है व्यूअर को प्रोवाइड करते हैं। व्हेन 3D इमेजेस आर मेड इंटरेक्टिव देन यूज़र फील इन्वॉल्व इन द स्क्रीन सीन, ठीक है। जब वो 3D इमेजेस देखता है तो यूज़र को लगता है कि मैं खुद इसमें जो है इन्वॉल्व हो चुका हूँ, ऐसा उसे लगता है। तो इसी की वजह से जो है इसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि उसे लगता है ऐसा लेकिन सच में तो ऐसा नहीं है। वर्चुअल रियलिटी भी जो है इसे बोला जाता है कि 3D मॉनिटर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसे टेलीविज़न्स होते हैं जिसपे ऊपर अगर कोई भी व्यूअर कोई पिक्चर ही देखेगा तो उसे लगेगा मैं इस सीन में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी जो है उसे लगती है कि मैं इसी जो है सीन में इन्वॉल्व हूँ, वो अपने आप को उसके अंदर इंटरेक्ट पाता है, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी के ऊपर जो है ये बेस्ड है 3D मॉनिटर्स। तो होप इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है। तो इस तरह से जो है वर्चुअल रियलिटी का आप जो है आइडिया अपने दिमाग में रख सकते हो। मूव करते हैं आगे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स TFTs, ठीक है। तो ये आपकी आती है लेटेस्ट जो है ट्रांजिस्टर्स टाइप जो मोनीटर हैं वो आते हैं, लेटेस्ट हैं बिल्कुल। TFT एंड एक्टिव मैट्रिक्स LED यानी कि AMLCD। TFT एंड AMLCD जो है वो बेसिकली क्या है, LCD स्क्रीन्स हैं, ठीक है। LCD स्क्रीन्स हैं कैपेबल ऑफ बीइंग व्यूड एट डिफरेंट एंगल, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि इन्हें आप किसी भी डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको
इसमें देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड समटाइम इट इज़ रेफर्ड एज परमानेंट कापी, और समटाइम इसे परमानेंट कापी बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। इसी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से जो है एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स को जो है स्क्रीन्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी सिंपल था। इसमें क्या था, TFT और AMLCD जो है वो एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही है, यानी कि वो बेसिकली LCDs ही है, लेकिन आप इन्हें डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हो। किसी भी एंगल से देखोगे आपको क्लैरिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसी जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। आप एग्जाम्पल ऐसे याद रख सकते हो, जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स में जो स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं वो TFTs होती हैं। यहाँ मैंने पिक्चर ली हुई है, तो इस तरह की जो स्क्रीन्स आप सबने देखी होंगे मोबाइल फ़ोन में यूज़ की जाती हैं, तो ये आपकी आगे किसकी एग्जांपल, TFT की। तो होप जो भी मैंने आपको मॉनिटर्स की एग्जांपल कराई उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा जो कि काफ़ी पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, उसके बाद हमने कवर की LCDs, उसके बाद हमने कवर की LEDs, उसके बाद हमने स्टडी की 3D मॉनिटर्स एंड उसके बाद TFT। तो ये सब 5 टाइप्स थी मॉनिटर्स की, होप आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपने सीधा पिक्चर जो है, मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं साथ ही साथ, वो पिक्चर्स आपने याद रखनी है और करेक्टरिस्टिक आप जो है पिक्चर देख के ही उनकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आप खुद ही बता दोगे। क्लियर है ना। मूव करते हैं आगे स्पीकर के ऊपर। स्पीकर इज़ एन अगेन एन आउटपुट डिवाइस, का स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम आउटपुट डिवाइस को सुनते हैं, देखते नहीं हैं सुनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि साउंड को रिसीव कर दिया इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। अब मेन बात यहाँ से आती है, दिस इज़ यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक। स्पीकर्स जो हैं वो म्यूजिक सुनने के काम आते हैं। फॉर बींग ऑडिबल इन सेमिनार्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, जब ऑडिबल हो जाए कि लोगों को सुनाई दे तो स्पीकर ही यूज़ किए जाते हैं। जब बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सेंटर में जो है कहीं कॉर्नर्स पे जो है स्पीकर रखे जाते हैं ताकि सभी को ऑडिबल हो साउंड, ठीक है। दैट इज़ कंप्यूटर स्पीकर्स जो हैं आर द स्पीकर्स विच आर अटैच्ड इंटरनली। अगर कंप्यूटर स्पीकर्स की बात करें तो वो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, और एक्सटर्नली टू ए कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। एक्सटर्नली भी आप कंप्यूटर सिस्टम को जो है कंप्यूटर स्पीकर्स जो हैं वो अटैच कर सकते हो। तो स्पीकर्स में तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आप सब जानते हैं कि स्पीकर्स क्या होते हैं। आप मान लीजिए आपने जो भी आपके पास डेस्कटॉप है उसके ऊपर कोई फोल्डर में आपने सॉन्ग्स रखे हैं, आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, मतलब आपने वहाँ पे इनपुट दी किसके थ्रू दी, माउस के थ्रू। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू आपने इनपुट दी और आपको आउटपुट किसकी फॉर्म में मिली, स्पीकर के ऊपर जो है गाना स्टार्ट हो गया, तो आपको जो है आउटपुट स्पीकर के ऊपर मिली, ठीक है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। अब आती है भाई हेडफोन्स की। हेडफोन्स आप सबने यूज़ किए होंगे। हेडफोन्स क्या होते हैं, एक पेयर होते हैं, ये भी एक स्पीकर्स ही होते हैं एक तरह के, जो पेयर्स में होते हैं और आपके कानों के इनको बिल्कुल पास रखा जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स, ठीक है, स्मॉल लाउड स्पीकर का पेयर होते हैं, और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर, बड़ा कम कॉमन होता है कि सिंगल स्पीकर भी हो, कई बार होता है सिंगल स्पीकर भी होते हैं, हेल्ड क्लोज टू यूज़र ईयर्स, और जो कि यूज़र के कानों के बिल्कुल पास रखे जाते हैं, एंड कनेक्टेड टू ए सिंगल सोर्स, सच एज आपका फ़ोन ही ले लीजिए, फ़ोन से जो है कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर से, रेडियो CD प्लेयर से, या पोर्टेबल मीडिया प्लेयर से जो है इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो हेडफोन्स होते हैं उन्हें स्टीरियो फोन्स भी बोलते हैं, हेडसेट भी बोलते हैं, और कैंस भी बोलते हैं। तो ये सब नाम जो है हेडफोन्स के हैं। तो हेडफोन्स जो है क्या है, एक वो भी एक आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके थ्रू आप क्या सकते हो, क्या कर सकते हो, आउटपुट को सुन सकते हो, ठीक है ना। तो आउटपुट को सुनने का काम हम किससे करते हैं, स्पीकर से करते हैं, हेडफोन से करते हैं। आउटपुट को देखने का काम हम किससे करते हैं, मॉनिटर से करते हैं, प्रिंटर से भी करते हैं और प्लॉटर से भी करते हैं। तो प्रिंटर, प्लॉटर्स और प्रोजेक्टर, ये तीन आपकी जो टाइप्स हैं वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों वो आज के लेक्चर में करवाएंगे तो आपका लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो वो हम सभी टाइप्स जो अभी हमारी तीन टाइप्स बचती हैं उनको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आप सब ने हमें कमेंट्स में बताना है आपको किसी भी अगर टाइप में दिक्कत आई है आज की वीडियो में, या फिर किसी भी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आई है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा अगर आप हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।